अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन। सो गाइस, आज का व्लॉग जो है मेरा, ना तो मैं कोई पब्लिक पॉइंट पे जा रहा हूँ, ना यार मैं कोई वेदर व्लॉग कर रहा हूँ, ना यार कोई शॉपिंग मॉल वगैरह जाके कोई शूट कर रहा हूँ। सो गाइस, आज का व्लॉग जो है वो मेरा यार सानिया मरी के ऊपर है। यार जब वो मुझे क्या कहते हैं न्यूज़ मिली है ना 22 जाने एट ए टाइम, बहुत अफसोस हुआ यार मुझे, मेरी पूरी फैमिली। यार वो कैफियत नहीं थी जब मुझे खबर मिली ना, अभी मेरे पास यार थोड़ी देर पहले वीडियो आई है व्हाट्सएप के ऊपर, यार उस वीडियो ने जब मैंने देखा ना यार अपनी आंखों से, तो यार बहुत बहुत ज़्यादा दुख हुआ है यार, 22 जाने एट ए टाइम। सो गाइस, इसके अंदर जो है वो मुझे गवर्नमेंट की गफलत लगती है यार। आप ये कहते हैं एट ए टाइम, अब इतनी इतनी गाड़ियाँ, क्या कहते हैं मरी साइड पे लेके जा रहा है, मरी टूटा था, इतनी इतनी गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं यार, जितनी आप जगह कैपेसिटी उतनी ले जाओ, बाद में ले जाना थोड़ी देर, क्या कहते हैं आप टाइम टेबल बना लो इतने इतने दिन के लिए। यार कोई इंतज़ाम नहीं, कोई कुछ नहीं है, ज़्यादा गाड़ियाँ वहाँ पर भरी हुई हैं, कोई इंतज़ाम नहीं है, क्या कहते हैं इतनी इतनी, अभी 22 जानों को तो बताया गया है। अभी माशाल्लाह से उनके एक सदर है, मैं बताना नहीं चाहता, वो कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर के जरिए अभी ऑपरेशन करेंगे, तो अभी और जानों का भी क्या कहते हैं खर्चा है। हमारे PM साहब जो है उन्होंने अभी सिर्फ ट्वीट किया है, मैं कहना नहीं चाहता, उन्होंने सिर्फ ट्वीट किया, अभी तक वो पहुँचे भी नहीं है यार। 22 जान डेथ हो गई है, अब कोई खबर ही नहीं है, कोई कुछ पता ही नहीं, कोई पहुँचने ही नहीं चाहता, कोई कुछ करना ही नहीं चाहता। तो यार ये जब मुझे मिली है ना ये खबर, मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ, आप बता नहीं सकते यार, ऐसी कैफियत है, मैं लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकता। तो यार क्या कहते हैं, मेरी फैमिली भी बहुत सैड हुई थी, तो मैंने यार मेरा जो व्लॉग है कोई व्यू, कोई मुझे ना दिलचस्पी नहीं है किसी मामले में, लेकिन मेरा यार एज अ छोटे से यूट्यूबर होने के नाते मेरा एक पब्लिक की तरफ से एक मैसेज है गवर्नमेंट को, यार कुछ तो लिहाज कर लो, कुछ निज़ाम कर लो यार, तो इतने इतने के कहते हैं हमें गाड़ियाँ भरनी, कोई तो निज़ाम कर लो, इतना सा निज़ाम होता है यार, कुछ निज़ाम होता है, कुछ भी नहीं है, अल्लाह के मानते कुछ तो निज़ाम कर लो आप यार। इतनी जाने मर गई, इतनी जाने गई हैं हमारे बच्चे, के कहते हैं सारी गफलत आपकी, उनके पेरेंट्स की है यार, ये कहते हैं आप ज़रूर आपने वहाँ जाना था मरी हैं, लेकिन क्या कहते हैं ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन यार मैं कहता हूँ जिनकी डेथ हुई है अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, जन्नत फिरदौस में आलम कामदा फरमाया, उनके लवाइकिन को सब्र दे, लेकिन क्या कहते हैं जो बच गए हैं उनकी तो अच्छी खबर है कि यार उनके वापस से एक ज़िंदगी, नई ज़िंदगी मिली है, लेकिन यार जिन गाड़ियाँ भी फंसी हुई हैं बर्फ़ के अंदर उनका क्या होगा यार। ये तो क्या कहते हैं सिर्फ एक नाइट इनकी गुजरी थी, एक नाइट में इनकी डेथ हो गई, तो यार अब जो गाड़ियाँ मिलेंगी उनका क्या होगा। तो यार बहुत ही लम्हा के बहुत सैड मोमेंट है ये हमारे सब के लिए। तो यार एक हदीस मुबारक भी कि यार हमारी इंसानियत जो है जिस्म के माने, जैसे आपके ब्लड सपोज आपके सर में दर्द होता है, हेडिक होता है, तो यार आपके जिस्म में फील होता है ना यार मेरा हेडिक हो रहा है, तो यार इसी तरह आपको फील करना चाहिए यार, बहुत सैड मोमेंट है यार। तो यार क्या कहते हैं मुझे उम्मीद करता हूँ कि आई होप कि नेक्स्ट टाइम से गवर्नमेंट के सख्त और अच्छे फैसले हों। तो गाइस मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत सैड हूँ मैं आज, बहुत ज़्यादा।